नहीं रहे कुरनूल के 2 रुपए वाले डॉक्टर इस्माइल हुसैन। उनकी मृत्यु कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते हुई। कभी मरीजों में भेदभाव ना हो सके इसलिए कभी अपने पेशेंट का नाम ही नहीं पूछते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रावत और आप देख रहे हैं आज की खोज चैनल। डॉक्टर के एम इस्माइल हुसैन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 2 रुपए वाले डॉक्टर के रूप से जाना जाता था, 14 अप्रैल को कोरोना वायरस के शिकार हो गए। डॉक्टर इस्माइल ने बीमारी के कारण कुछ हफ्ते पहले कुरनूल में अपने अस्पताल में काम करना बंद कर दिया था। उनकी मृत्यु के उनके प्रशिक्षण के परिणामों से पता चला कि उनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई। वह एक कोविड-19 रेड जोन में काम कर रहे थे। उनके दोस्त सैफत अहमद खान के अनुसार वह हमेशा इतने सुलभ और लोकप्रिय थे, इवन जब उन्होंने हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिया था तो मरीज उनके घर के बाहर कतार में लग जाते थे। वहीं कभी भी किसी भी कारण से मरीज को देखने से उन्होंने मना नहीं किया, इसलिए एक हफ्ते बाद मजबूरी में उन्हें वापस अस्पताल में जाना पड़ा। कोई धार्मिक टैग नहीं। सफत, जो एक हैदराबाद में एक वकील है, ने दावा किया कि डॉक्टर इस्माइल की लोकप्रियता कुरनूल के मुस्लिम समुदायों में बहुत अधिक थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने शहर में जैन और मारवाड़ी समुदायों सहित कई हिंदू परिवार की भी सेवा की। अगर मुझे कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती थी तो मैं खुद हैदराबाद से अक्सर उनके पास जाता था। कोई भौगोलिक सीमा भी नहीं। 76 वर्षीय डॉक्टर इस्माइल को अपने मरीजों से इतना प्यार था कि सिर्फ कुरनूल ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के आसपास के जिलों से, जैसे तेलंगाना के गढ़वाल और कर्नाटक के रायचूर से लोग उनसे मिलने आते थे। पैसों के लिए कभी ट्रीटमेंट नहीं किया। न्यूज मिनट ने अब्दुल राउफ के हवाले से लिखा, एक इमाम जो लगभग 45 वर्षों से डॉक्टर इस्माइल के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने कहा उन्होंने कभी भी पैसे की परवाह नहीं की, कभी नहीं देखा कि मरीजों ने कितना भुगतान किया। वह कहते थे लोग सलाह लेने के बाद वही देंगे जो वह दे सकते हैं। राउफ ने कहा पहले लोग अक्सर उन्हें सिर्फ 2 रुपए दिया करते थे, उनके अंतिम दिनों में लोग 10 से 20 रुपए दिया करते थे और अगर कोई कुछ भी देने लायक नहीं होता था तो उसका ट्रीटमेंट फ्री में किया जाता था। एक इतिहासकार और राजनीतिक पर्यवेक्षक जो डॉक्टर इस्माइल के करीबी दोस्त थे, ने खुलासा किया हॉस्पिटल में एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखा होता था जिसमें मरीज अपने हिसाब से ट्रीटमेंट के बाद पैसे छोड़ दिया करते थे। यह पूरी तरह से उन पर निर्भर था कि वह कितने पैसे उसमें छोड़ रहे हैं। दी लैंड ने डॉक्टर इस्माइल के एक उडुपी ब्राह्मण दोस्त कुराड़ी चंद्रशेखर कलकुरा के हवाले से कहा, डॉक्टर इस्माइल यह कहते थे, मेरे पिता एक शिक्षक थे, अपने अल्प वेतन के साथ उन्होंने सम्मान के जीवन का नेतृत्व किया, उन्होंने हमें भरपूर प्यार और स्नेह दिया, हमें उनकी प्रतिष्ठा और पारदर्शिता विरासत में मिली, भगवान ने मुझे काफी कुछ दिया और मेरा बेटा डॉक्टर इकबाल हुसैन कुरनूल मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में बसा हुआ है। एक दामाद इम्तियाज एक IAS अधिकारी है और कृष्णा जिले का कलेक्टर है। 2 दामाद भी अच्छी तरह से सेटल है, उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैंने सरकार की लागत पर स्टडी की। भगवान हम सभी के प्रति इतने दयालु रहे तो मुझे मरीजों से परामर्श शुल्क की मांग क्यों करनी चाहिए। मेरे 90% मरीज BPL हैं। डॉक्टर के एम इस्माइल ने कभी कोई राजनीतिक लालच नहीं किया। 1989 में कुरनूल में उनकी भारी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए NTR ने डॉक्टर इस्माइल को MLA टिकट और कैबिनेट में बर्थ की पेशकश की, लेकिन उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह पूर्व CM कोटला विजय भास्कर रेड्डी के भरोसेमंद लोगों में से एक थे और तेदेपाक और पुराने भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के बीच समान रूप से सम्मानित थे। चलिए जानते हैं डॉक्टर के एम इस्माइल की एजुकेशन कैसे हुई थी। डॉक्टर इस्माइल ने कुरनूल मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD पूरा किया। वह लगभग 25 साल पहले स्वैच्छिक रूप से सेवा निर्मित होने से पहले शिक्षण अस्पताल में अधीक्षक थे। उन्होंने कुछ समय तक डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज कुरनूल के प्राचार्य के रूप में भी कार्य किया। फिर उन्होंने वन टाउन इलाके में अपना नर्सिंग होम KM अस्पताल खोला। डॉक्टर इस्माइल अपनी पत्नी, 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ रहते थे, जिन्हें बाद में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया गया। चलिए अब जानते हैं कैसे हुआ डॉक्टर KM इस्माइल का अंतिम संस्कार। अगर यह एक सामान्य दिन होता तो लाखों लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते थे, लेकिन दुख की बात यह है कि कुरनूल के सबसे लोकप्रिय डॉक्टर की अंत्येष्टि में 6 परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में की गई। उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार दफनाया गया था। दोस्तों, आपको डॉक्टर KM इस्माइल एक कोरोना वायरस वॉरियर की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनके कैसा लगा, प्लीज अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पर्सनली भगवान से प्रे करता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वंदे मातरम।